रामपाल यादव जी उस यादव परिवार में सबसे अच्छे और स्नेहिल व्यक्ति थे, लेकिन शिवपाल जी जब तक आदरणीय मुलायम सिंह जी के छड़े दुष्टा प्रकृति के अंतर्गत काम करेंगे, वह सोमवार को अपने से दुष्ट होते हैं, मंगलवार को तुष्ट होते हैं, फिर बुधवार को दुष्ट होते हैं, बृहस्पतिवार को तुष्ट होते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो बड़ा बुरा है, कभी वो कहते हैं कि मेरा बेटा है। मेरे ऊपर ही आरोप था, जिस अखिलेश के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो उसके पिता ने किया, उसका प्रेम विवाह का निष्पादन मैंने किया, उसको ऑस्ट्रेलिया ले जा करके स्नातक मैंने बनाया, उसके जीवन का पहला टिकट कन्नौज में मैंने दिया, उसको पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष मैंने बनाया, उसके गुरुपुत्र समर्थकों ने मेरे पोस्टर पर की तस्वीर पर मल मूत्र त्याग किया, उसकी अर्धांगिनी ने कहा कि दूरदर्शन पर जब अमर सिंह ऐसे कुटिल व्यक्ति को छवि आती है तो मैं टेलीविजन बंद कर देती हूँ। तो देखिए, ये राम का देश है जो पिता के कहने पर 14 वर्ष तक वनवास गए, ये श्रवण कुमार का देश है जिसमें वृद्ध माता पिता को तीर्थ कराने के लिए वो कांवर पर लेकर के गए। यहाँ पर मुलायम सिंह के बारे में किसी का कोई विरोध हो, वो अखिलेश के जैविक पिता हैं और समाजवादी वर्तमान समाजवादी पार्टी के भी पिता हैं। तो कहते हैं ना, अब विष्णु और राम में कोई अंतर नहीं है, राम विष्णु के अवतार हैं, विष्णु का मंदिर नहीं बनाइए, विष्णु के अवतार राम के चरित्र का अनुसरण कीजिए। यहाँ तो ये हो रहा है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा अखिलेश करेगा राज, बूढ़ा बाप मुलायम जंगल को जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब